पंजाब के जालंधर शहर में जन्मे मशहूर कॉमेडियन सुदेश लहरी की बात करें तो इनका नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और इन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है कि वो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बताना चाहेंगे कि सुदेश लहरी का जीवन काफी कड़े संघर्षों से गुजरा है, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने मेहनत करना कभी भी नहीं छोड़ा और इसका यही नतीजा है कि आज वो सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि कई सारे शोज का हिस्सा बन चुके हैं। जन्म की बात करें तो सुदेश लहरी का जन्म 1964 को पंजाब के जालंधर शहर में हुआ था और उन्हें ये शोहरत विरासत में बिल्कुल भी नहीं मिली। इसके लिए सुदेश लहरी ने काफी लंबा संघर्ष किया। आपको इस बात की जानकर हैरानी होगी कि कॉमेडी में करियर बनाने से पहले सुदेश घर चलाने के लिए चाय की दुकान पर काम किया करते थे और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद इस बात को कबूला था कि उस समय वे चाय जरूर बनाया करते थे लेकिन उनके घर पर चाय नहीं बनती थी। यानी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके घर की कंडीशन कितनी खराब थी। हालांकि एक अन्य इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने संघर्ष भरे दिनों को याद करते हुए बताया था कि वह गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते थे। बचपन में गुजारा करने के लिए उन्होंने कारखानों से लेकर सब्जी और कुल्फियां तक बेची। इतने संघर्ष के बावजूद उन्होंने अपने अंदर कला को जिंदा करके रखा। सुदेश को बचपन से ही गाने गाने का शौक था और वह आज भी शोज और अपने यूट्यूब चैनल पर गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। गाँव में उन्होंने आर्केस्ट्रा में भी काम किया। वह माइक पर एंकरिंग के साथ लोगों की मिमिक्री भी किया करते थे और उस दौरान उनकी लोकप्रियता भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हालांकि सुदेश अब तक कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं और फिल्मों का शौक उन्हें बचपन से ही था। जेब में पैसा ना होने के बावजूद वे सिनेमा घरों में फिल्में देख लिया करते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत नायाब तरीका निकाला था। एक इंटरव्यू के दौरान सुदेश लहरी ने बताया था कि वह एक दिन में 4 फिल्में देखा करते थे। इसके लिए वह लाइन में खड़े होकर लोगों से कहा करते थे कि उनके पास फिल्म देखने के लिए 10 पैसे कम है, जिससे लोग उनकी मदद कर देते थे और उनकी फिल्म देखने का इंतजाम हो जाता था। लहरी ने अपने करियर की शुरुआत दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से की थी। उन्होंने छोटे पर्दे पर पहचान कॉमेडी सर्कस और कॉमेडी क्लासेस से मिली। कॉमेडी में कृष्णा के साथ उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। वह सुपरस्टार सलमान खान के साथ रेडी और जय हो जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आ चुके हैं और आने वाले समय में और भी कई सारे शोज और फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। हालांकि कृष्णा अभिषेक के साथ उनकी जोड़ी को हमेशा से ही पसंद किया गया और कृष्णा और अभिषेक जब किसी भी शो का हिस्सा बनते थे तो दर्शक खूब ठहाके लगाकर हंसते थे। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब सुदेश लहरी और कृष्णा अभिषेक के बीच में दूरियां बढ़ गई थी और इन दोनों के बीच में विवाद हो गया था। बताया जाता है कि सुदेश लहरी और कृष्णा अभिषेक के बीच में 2017 के झगड़े का कारण द ड्रामा कंपनी को कृष्णा का शो कहा जा रहा था। उस समय कृष्णा ने सुदेश के साथ मतभेद होने की पुष्टि भी की थी और कहा था कि उन्होंने वो दोनों काम के सिवा आपस में कोई बात नहीं करते थे। सुदेश और कृष्णा के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंस को लेकर द ड्रामा कंपनी की शूटिंग 5 घंटे तक रोके जाने की खबरें भी आई थी। हालांकि सुदेश लहरी से झगड़े के बारे में बोलते हुए कृष्णा अभिषेक ने कहा था कि उनके बीच मतभेद और ईगो की परेशानी थी। कृष्णा ने इस दौरान कहा कि मैंने कॉमेडी के बारे में जो कुछ भी सीखा है वह सुदेश जी की वजह से ही है। कॉमेडी सर्कस के दौरान उन्हें मुझसे बेहतर लाइनें मिली लेकिन मैंने कभी भी शिकायत नहीं की। कॉमेडी शो एक व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया जाता है, इसके लिए टीम वर्क की आवश्यकता होती है। अगर लोग द ड्रामा कंपनी को मेरा शो कह रहे हैं तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बल दोस्तों, जैसा मर्जी रहा हो लेकिन आने वाले समय में कृष्णा और सुदेश के बीच में पहले वाली दोस्ती हो गई। हालांकि अब वो किसी एक साथ शो का हिस्सा नहीं बनते। एक तरफ जहां कृष्णा अभिषेक कॉमेडी नाइट स्मिथ कपिल शर्मा का हिस्सा बन रहे थे लेकिन अब उन्होंने इस शो को छोड़ दिया है, तो वही दूसरी ओर सुदेश लहरी के पास भी काम की कमी नहीं है और वो भी कई सारी शोज का हिस्सा बन रहे हैं।